सर्किट हाउस पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री ने राखी उत्सव को सादगी के साथ मनाने की बात कही है, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत जोरों शोरों से किया। उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक व प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को देवास रोड स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। चर्चा करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण वे रक्षाबंधन पर्व को सादगी के साथ मनाएंगे। यादव ने बताया कि वे प्रतिवर्ष विधानसभा की हजारों बहनों से राखी बंधवाते रहे हैं, इस वर्ष बगैर आयोजन के घर में ही रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। साथ ही डॉक्टर यादव ने कहा कि सभी लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें ताकि जल्द कोरोना से मुक्ति मिल सके। कोरोना के काल में और खास करके जब ये अभी रिजल्ट ऐसा आ रहा है जो डरावना है, तो हम सबको आवश्यक सावधानी रखना है। खास करके मध्य सरकार के अंदर तो 14 अगस्त तक हम सबके जो शासकीय दौरे हैं, जो शासकीय आयोजन है, वो भी बंद किए हैं। लेकिन हम सब समझदार हैं, आज के इस युग में जितनी सावधानी रखना चाहिए रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में हम सबकी एकजुटता से, आवश्यक सावधानी से, सोशल डिस्टेंसिंग से इस बीमारी से पार पाएंगे। मेरी अपनी ओर से, चूँकि आज ईद की बधाई, आने वाले दो दिन बाद रक्षाबंधन है, कुछ दिन बाद गणेश चतुर्थी है, त्योहारों से भरा समय है, और हम सब उम्मीद करते हैं परमात्मा कृपा करेंगे और हम सबके लिए कोरोना से लड़ने की हिम्मत भी आएगी और कम से कम परेशानी में इस संकट से बाहर आएंगे। मैं रक्षाबंधन पे आमतौर पे अपनी बहनों के साथ लगभग 10,000 बहनों से राखी बंधवाता था, लेकिन कोरोना के कारण से मैं इससे बचना चाह रहा हूँ और ये हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की और सभी की मंशा है कि अभी के समय में बड़ा गैदरिंग किसी के लिए ठीक नहीं रहेगा, इसलिए इससे बचना ये बहुत आवश्यक है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि हम सब भी समझदार हैं, आने वाले समय में जब नॉर्मल समय आएगा, खूब जोश उत्साह से हमारे त्यौहार मनाने की परंपरा, हम उस परंपरा में कायम रहेंगे, लेकिन आज तो बचना चाहिए।